यामः कथं व्रजमथो क्वलवामुखीं वा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों को भगाते हैं, चले जाओ, लेकिन गोपियां कहती हैं जाकर करें भी क्या, आज यदि चले भी जाए तो हमारा मन तो तुम्हारे पास है, मान लो कि आपकी बात सुनकर हम लोग चले जाए तो कैसे जाए, हमारा पैर आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं। पादौ पदम न चलत तव पाद मूला, तव पाद मूला पादौ न चलत, आपको चरण कमल को छोड़ करके ये हमारा पैर पीछे जाने के लिए तैयार नहीं। उसी तरह यहाँ श्री कृष्ण की स्थिति हो गई है, राधा रानी की रूप माधुरी को देखकर प्यारे श्याम सुंदर का पैर नहीं चल रहा। अरे भाई, जो आंख मूंद कर जिन राधा रानी का प्यारे श्याम सुंदर ध्यान करते हो, सामने प्रत्यक्ष है, तो अब क्या करे, आनंद से श्याम के नेत्र फैल जाते हैं। जैसे गीत गोविंद में लिखा गया है, श्री श्याम सुंदर को देख करके प्रिया जी का नेत्र कान तक आ जाता है, वैसे श्याम सुंदर का भी नाम नेत्र कान तक आ गया। जगन्नाथ जी का रूप बन गया, जगन्नाथ जी का बड़ा बड़ा हाथ हो गया। हठात स्वामी की दृष्टि पड़ गई, राधा रानी की दृष्टि पड़ गई कि श्याम सुंदर हमको निहार रहे। लज्जा के मारे सिर पर कपड़ा प्रिया जी धारण कर लेती है, इस रहस्य को तुलसी मंजरी देख रही है। उसी मंदिर देख रही कि प्रिया जी अचानक क्यों घूम रहे, पतानी क्या बात है। तुलसी को इंगित करती हैं, अरे क्यों, डांटती हैं तुलसी, अरे तुलसी तुझको पता था कि श्याम सुंदर मुझे देख रहे थे, क्यों नहीं बताया, हम अपना सिर ढक नहीं होती। तुलसी आंखों के धमकी देकर धमका रही, हम उसको क्या बताओ, तो आपकी सेवा में लग रहे, हमको क्या बताया कौन देख रहा है। असल बात यह है कि तुलसी पाकशाला में बैठ करके आद्योपांत इस लीला का दर्शन कर रहे हैं, श्याम सुंदर प्रिया जी के कमल को देख करके बेहोश हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, श्री कृष्ण के नेत्र से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं, प्रिया जी के स्वरूप माधुरी को ये पूरा देख रही है तुलसी मंजरी। लेकिन प्रिया जी जब डांटे कह रहे तुम उसको क्यों नहीं बताए, तो कहती है हमको क्या पता, आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, हम तो आपकी सेवा में लगी हैं। नागरेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं तुलसी मंजरी से कि इस रहस्य को बजाने न दे, देखिए यही रस है, नैनों का नैन से मिलन हुआ, पाकशाला रसवती हो गया, रस स्वरूप हो गया, वहां रस किशोरी जी बना रही है भोजन, रस पूर्ण हो गया, रस का सर। देखो भजन का रोटी बनाते समय आप लोग श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए, प्रिया जी का ध्यान कीजिए, तो रोटी में भी स्वाद बढ़ जाता है। आप लोग पता है कि नहीं, महात्मा लोग इस तद्भाव भावित होकर जब ये रोटी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, तो उसमें अद्भुत स्वाद आता है। राधा रानी के बनाया हुआ पाक में इतना रस क्यों है कि एक सेकेंड भी श्री कृष्ण से मन को हटाती नहीं, प्यारे श्याम सुंदर को बनाए। स्वामी जी कहते थे कि यदि कृष्ण का स्मरण करके रोटी बनाओगे तो रोटी जलेगी भी नहीं और कच्ची भी नहीं, और यदि मन को इधर उधर चलाओगे और भोजन बनाओगे तो रोटी जल जाएगा, कच्चा हो जाएगा। तो प्रिया जी का जो रंधन है उनकी सेवा में सेवा कर रहे हैं, प्रिया जी का मन प्रिया श्याम सुंदर की सेवा में है, कहीं सब्जी में अधिक नमक न पड़ जाए, कम न पड़ जाए, ध्यान है, सेवा सुगिरन सावधान, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। सेवा में यदि मन इधर उधर गया तो सेवा घटना के नष्ट हो जाएगा। नागर इशारे से विनती करते हैं और दर्शन मिलेगा, और दर्शन इनका स्वामी इंगित करती है, हाँ मिलेंगे, आंखों से इशारा करती है, आंखों के इशारे पर नागर मुक्त है। सोचते आहा, मेरे लिए कितना परिश्रम कर रसोई प्रिया जी बना रहे हैं, श्याम सुंदर के मन में आ रहा है। आग के पास रहने से मुंह बिल्कुल लाल हो गया, वैसे ही तप्त कांचन श्री गौरांगी हैं और आग के सामने रसोई बनाने के कारण उनका तप्त कांचन हो गया और पसीनों से भरा बंदर बदन दासी पोछ रही है, दृष्टि विनिमय कितना मधुर, तभी तुलसी के लिए पाकशाला रसवती हो गया। यहाँ देखिए सखी मंजरियां सब देखिए सेवा करते समय अपने मन को कैसे श्री कृष्ण में लगाया जाए, यह केवल प्रिया जी जानते, क्योंकि प्रिया जी आचार्या
ये भक्ति का जो संप्रदाय चला है, भक्ति संप्रदाय, ये राधा रानी से ही चला है। भक्ति की सेवा कैसे की जाती है, सेवा की क्या भाव है, ये किशोरी जी ही इसकी स्थापना आचार्य है। आचार्य रसोई करते समय, स्नान करते समय, चलते समय सत्य केवल श्री कृष्ण का स्मरण, यही तो बताने के लिए किया गया है। इस फिरती में विराम आया। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ब्रजेंद्र महिषी आदि जत गुरु जने, ब्रज की जितनी महिषियां हैं, रोहिणी, यशोदा इत्यादि, जब राधा रानी गई तो हे कल्याणी नमस्कारी सबार चरण, सबके चरण में प्रिया जी नमस्कार करते हैं। देखिए ये भगवान है, प्रिया जी कौन है, पूरे जगत की मालकिन है, श्री कृष्ण की स्वामिनी है, फिर जगत में आकर शिक्षा देती हैं कैसे सेवा करना, प्रणाम करती हैं यशोदा मैया, कोमल चरण पद वृक्षालोन करी, पाक साले प्रविष्ट हरिवे त्वरा करी, जल्दी जल्दी सेवा, पाक काले बीज कांते कोरिया दर्शन, पाक समय अपने प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करती है, आ सुखे रे सागर डुबाई वो मोर मन, आ सुख के सागर में निमज्जित कर देती है। वही यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, प्रक्षाल्य पाद कमले कुशले प्रवेष्टा, प्रक्षाल सेवा करते समय पैर धो लेने चाहिए, राधा पैर धोते, प्रक्षाल्य पाद कमले कुशले प्रवेष्टा, नत्वा ब्रजेश महिषी प्रभृतिर गुरुस्ता, नत्वा ब्रजेश महिषी प्रभृति गुरुस्ता, कुर्वती रसवती रसभाकदा त्वम्। भोजन करते समय भोजन रसवती बनाने के लिए प्यारे श्याम सुंदर की ओर दृष्टि हाथ दिया जी करती है। समुज्जयिष्यति तदां सुख सागरे माम, प्रियालाल दोनों एक दूसरे से नेत्र मिला करके सखी मंजरियों को रस से युक्त कर देते हैं। हाँ वह कब समय आएगा, कैसे मैं दर्शन करूँ। इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रिया जी के इस रूप का चिंतन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब पल ये लीला होगी कि प्रिया जी अपने हाथ से पैसे परस कर दिया, आज तो बनाई है और कल खिलाई, ये किसके लिए कर रही है, क्या राशी होगा ना, कल राशी हो जाएगा। हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोगों के लिए बासी हो जाएगा, नहीं ये ठीक कर रहे हो। प्रिया जी का एक चरण का नुपुर ऐसे ऐसे बजता है ना, थोड़ा सा झंकार, एक शब्द का झंकार होता है तो कितने ब्रह्मा कितने विष्णु कितने ब्रह्मांड बासी हो जाते, बदल जाते एक एक सेकेंड में, वहां का एक सेकेंड में कितना जुड़ दिया जा रहा है। लेकिन लीला नित्य चलता है, नित्य तैल धारा को चलता है, ये कभी विराम नहीं मिलता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण गीत गोविंद सबके पास है ना, सब पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, यहाँ से यहाँ गीत गोविंद था ना, सब हरे राम हरे सबके पास आ गया ना, कृष्णा कृष्ण कृष्ण नहीं है।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 आपके पास भी नहीं है ना हरे आपके पास नहीं है ना हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम आज दसम सर्ग पढ़ेंगे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम कल सखियां प्रिया जी को डांटती थी कहती है कि तुम भगवान से रूठा मत करो मान तुम कर लेते रूठ जाते फिर होती हो मन आज प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को मना रहे अत्रांतरे मशिंडरो शवशाम सीमन निःश्वास निःस मुखी सुमुखी मुपेत्य शब्रीदमीक्षित सखी वदनां दिनांते शानंद गद गद पदम हरिदित्युवाचे अत्रांतरे मशिड अंतरांतरे हरि मशिड रोष वसाम सीम इस अवसर पर श्री कृष्णचंद्र ने दिन के अंत में अत्रांतरे हसीन रोष वसाम सीम निःश्वास श्री कृष्ण कठोर क्रोध के वशीभूत और अत्यंत निरंतर जो श्वास अपने स्नेह में असमर्थ है मुख जिसका लज्जित हो गया है सखी का मुख जिसने ऐसी सुंदर मुखी राधा रानी के समीप जाकर आनंद से गदगद कंठ से ऐसे वचन प्यारे श्याम सुंदर कह रहे हैं निःश्वास निःसह मुखी शबरी जथा स्या तथा इच्छित सखी बदना सुमुखी राधा उपेत्य राधा रानी के पास आकर के शाद तथा दिनांते इति उवाच श्याम सुंदर जाकर के प्रिया जी के पास गला अवरुद्ध हो गया है हाथ जोड़ लिए अपने गले में पीताम्बर लगा दिए कि मैं अपराधी जीव और प्रिया जी के पास आकर के प्यारे श्याम सुंदर इस प्रकार करना प्रारंभ करते और देखिए श्याम सुंदर प्रिया जी को मना रहे हैं मनाने उन्हीं को आता और किसी को मना रहे क्योंकि अनादिकाल से जीव संसार में फंसा हुआ है उसको मनाना है भगवान अपने ओर खींचना है कैसे खींचेंगे तब कहते हैं देखिए राधा रानी को मना रहे हैं श्याम सुंदर और हम लोगों को भी सब जीवों को मना रहा है कहाँ तुम लोग भटक रहा है आज मेरे पास है प्रिया जी से मना रहे कहते हैं बदसी जदि किंचिदी दंत रुचि कौमुदी हरति दरित मित मति घोरम स्फुरद धरसी धवे तव बदन चंद्रमा लोचयति लोचन चकोरम प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुंच मैमानम निदानम सपदि मदनान लोदहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपालम श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण पर गिर करके कहते हैं हे चारुशीले हे प्रिय हे चारुशीले चारुशीले माने सुंदर स्वभाव वाले हे प्रिय त्वं मयि अनिदानं मानं मुञ्च अकारण तुम मान क्यों कर ली मैं तो इतना
कोई बड़ा अपराध नहीं किया जिसके कारण तुमने मान कर डाली। तो अनिदानम मानम मुंच, अकारण मान को तुम मुंच छोड़ दो। तुझको पता है तुम मान करती हो तो हमको क्या होता है, मम मानसम दहत, तुम थोड़ा सा भी रूठ जाती हो तो हमारा हृदय जलने लगता है। अतः तुम सपदि मुख कमल मधुपानम दे, यदि तुम हमारा जान बचाना चाहती है तो तत्काल अपने मुख कमल मधुपानम दे, अपने मुख कमल का मधुपान हमें दे दो, नहीं तो मर जाऊंगा। दे ही हे राधे, यदि किंचित अपि वदसि, यदि आप कुछ भी बोलती हो, तदा तब दंत रुचि कौमदी, जब आप बोलती हैं तो आपका दांत खुल जाता है, दांत दिख जाता है बोलने में। तो दंत रुचि कौमदी, दंत के प्रकाश से अति घोरम, दरति तिमिर हरति मम बदन चंद्रमा। जब आप बोलती हैं तो दांत दिखता है और दांत दिखने से इसमें किरण निकलता है और ये किरण हमारे हृदय के अंधकार को दूर करता है। किंचित अपि वदसि तदा तव दंत रुचि कौमदी अति घोरम, दरति तिमिर हरति बदन चंद्रमा स्फुर दधर सीधवे मम लोचन चकोरम रोचयति। उस रूप माधुरी को देख करके हमारा जो मन है ये नेत्र चकोर, नेत्र की रुचि को पैदा कर देता है। ये श्याम सुंदर प्रिया जी से प्राप्त, देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी को मनाने आता है। आप थोड़ा एक बार बोल लो, दांत दिखाओगी तो उसके प्रकाश से हमारा हृदय का कष्ट दूर। फिर कहते हैं यदि सचमुच तुम हम पर नाराज हो, सत्यमेवासि यदि सुदति मई कोपिनी देहि खर नख सरघातम घटय भुज बंधनम जनय हृदय खंडनम जेन वा भवति सुख जातम। हे प्रियाजी, यदि सचमुच, हे सुदति, सुदति माने सुंदर दांत वाली, हे राजे, यदि तुम वही सत्यम एवं कोपसी, सचमुच आप हम पर क्रोधित हैं, आप हम पर नाराज हैं, तो असी तरह ही खर नख सर घातम दे। यदि सचमुच आप हम पर कोप कर रही हैं, हम पर आप नाराज हैं, तो ऐसा काम करो, मेरे ऊपर अपने तीखे बाण रूपी नख से हमको घायल कर दे। कहते हैं सत्यम एव असि, यदि सचमुच तुम हम पर नाराज हो तो ऐसा हे कोपनी, हे क्रोधिनी, तरही खर नख सर घात, एक कठोर नख से नखाघात कर दीजिए, घातम दे, जैसे पुलिस किसी को मार करके बांध देता है, वैसे यदि सचमुच क्रोधित हो तो खर नख सर घातम दे ही और भुज बंधनम घटय और अपने दोनों बाहों से हमको बांध लो। इतना पर भी आपका क्रोध नहीं जाता है तो रद खंडनम जनय, अपने दांत से मुझे काट डाल। जनय जेन सुख जातम भवति तत् कुरु, जिससे तुम प्रसन्न हो वही काम करो। प्रिय चारुशीले मुंच मई मानम निदानम सपदि मदनान लो दहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपानम। श्याम सुंदर कहते हैं प्रियाजी प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, ऐसे कहते कहते श्याम सुंदर के नेत्र से आंसू छलक छलक आए और रो रो करके कहते हैं, हे प्रियाजी यदि आप नहीं मानती हो तो देखो हमारा केवल तुम ही, तुम्हारे अतिरिक्त में किसी को नहीं जानता, न मैं नंद को जानता हूँ, न जसोदा को, न ललिता को, न विशाखा को, न वृंदावन को, न मैं कुछ नहीं जानता, केवल तुम मेरी, मेरे तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। अब प्रिया जी कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं,
तमसिमं भूषणं तमसिमं जीवनं तमसिमं भवजलधिरत्नं भवतु भवती हमै सततमनुरोधिनि तत्र मम हृदयमत्यत्नम्। हे राधे त्वं मम भूषणम् असि। हे प्रिया जी तुम ही मेरा भूषण हो, तुम्हारे अतिरिक्त मैं कोई गहना नहीं पहनता। श्याम सुंदर के पास जो पीताम्बर वस्त्र है वो प्रिया जी है, श्याम सुंदर के पास कान में जो कुंडल है वह भी प्रिया जी है, अंग संगनी सखी बनकर के प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के सब आभूषण वही करते। तमसि मम भूषणम तमसि मम जीवनम तमसि मम भवजलधिरत्नम भवतु भवती हमै सततमनुरोधिनी तत्र मम हृदयमत्यत्नम्। हे राधे त्वं मम भूषणम असि, तुम ही मेरा भूषण है ना, मेरे नयनों में राधा, मेरे पलकों में राधा, मेरे अंग अंग प्रिया जी में राधा। त्वं मम जीवनम असि, तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। त्वं मम भव जलधि रत्नम, इस भव सागर के समुद्र को मथने के बाद जो रत्न निकला वह भी तुम ही हो। यह मई हे प्रियाजू हे लाडलीजू हे सर्वेश्वरीजू भवती सततम अनुरोधसि भवतु, हम बार बार आपके चरण कमल में यही प्रार्थना करता हूँ कि मम हृदय यति यत्नम वर्तते तवा अनुकूलार्थम अतीव यत्नम करो नित्यर्थ। कहते हे प्रियाजी आपके अनुकूल होने पर मैं प्रसन्न रहता हूँ और आपके प्रतिकूल होने पर मैं दुखी हो जाता हूँ, तो आप हमको अकारण क्यों कष्ट दे रहे हैं। प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुंज मई मानम निदानम सपदि मदनान लो दहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपानम नील नलिनाभमपि तन्वितव लोचनम धारयति कोकनद रूपम कुसुम सर्वाण भावेन यदि रंजयसि कृष्णमित मे तदनुरूपम। हे तन्वी, श्याम सुंदर कहते हैं तन्वी हे सुंदर तन वाली, नील नलिनाभ मपि तव लोचन, आपका जो नेत्र है नील कमल के समान सुशीतल है, लेकिन इस समय क्या हो गया है, कोक नद रूप लाल लाल हो गया क्रोध के मारे। आपका नेत्र कमल है नलिनाभ के समान, लेकिन तव लोचनम कोक नद रूपम धारयति यदि इदम चक्षु कृष्ण कुसुम सर्वारेण रंजयति। यदि आप क्रोध से रक्त हैं तो अपने नेत्र कटाक्ष रूपी बाण से हमको घायल कर दो, मार डालो यदि मैं अपराधी जीव हूं तो। ऐसे मधु मदिरा पीने से इस कृष्ण कुसुम सर्वाण भावेन रंजयसि रक्तम करोसि तदा एतम रक्तम रूपम अनुरूपम योग्यम भवति। प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुंज मई मानम निदानम सपदि मदनान लो दहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपानम स्फुरतु कुच कुम्भयोरुपरि मणि मंजरी रंजयतु तव हृदय वेशम रसतु रसनापि तव घन जघन मंडले घोषयतु मन मथ निदेशम। हे राधे मणि मंजरी कुछ कुंभयो, मणि मंजरी कुछ कुंभयो
ऊपर स्फुरत होगा। आपके कुच के ऊपर जो मणि मंजरी है स्फुरत हो, तब हृदय सम रंजयतु, आपके हृदय को रंजन करने वाला है। तब रसना अपि जगन मंडले रसतु, मनमथ निदेशम घोषयतु शब्द मानम इति भवति। प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुंज महिमानम निदानम सपदि मदनानलो दहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपानम। आप कौन है इस पृथ्वी? देखिए दो प्रकार का कमल होता है, एक कमल सरोवर में खिलता है और एक कमल पृथ्वी पर खिलता है। जो पृथ्वी पर खिलता है उसको क्या कहते हैं? स्थल कमल। देखे हैं आप लोग स्थल कमल? नहीं देखे, नहीं देखे। श्याम सुंदर कहते स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनित रति रंग परभारम भणम शिण वाणी कर वाणी चरण द्वयम सरसल दक्त कुसुम रागम। हे मशीन वाणी स्निग्ध वचन का, प्रिया जी कैसे बोलती हैं जानते हैं ना? प्रिया जी की वाणी को सुन करके कोयल आकाश में चला गया, जब हमारा काम नहीं है। सारा संसार कहता है कि कोयल मीठा बोलता है, लेकिन प्रिया जी की वाणी को पिक भजनी पिक भैली राधा रानी का नाम। कोयल के वाणी को भी हतप्रभ करने वाली प्रिया जी की वाणी है। तो कहते हे मशीन वाणी स्निग्ध वचन राधे तुम भाड़ा, अपने मीठे वचन से कुछ बोलो। अहम स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम, आप स्थल कमलनी हो, हमारे हृदय को रंजन करने वाली हो। जनित रति रंग पर भागम ती चरण द्वयम, आपका जो चरण कमल है चरण उस अलग तक सुंदर रंग से रंगा हुआ, अर्थात मैं उस चरण कमल में श्याम सुंदर क्या करते हैं जानते हैं? प्रिया जी के चरण कमल में धीरे धीरे भगवान महावर लगा। अभी मिलाप पुष्पांजलि में वर्णन आया था ना कि प्रिया जी के चरण कमल को श्याम सुंदर अपने छाती पर रख करके तुलिका लेकर के महावर रचना। तो यही कहते हैं कि आपके दोनों चरणों के सहित अलग तक से सुंदर राग वाले मैं करूं, फिर चरणों में मैं महावर लगाऊं। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनानलो हरतु तदुपहित विकारम। प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मानम निदानम सपदि मजनानलो दहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपानम। हे राधे त्वं स्मर करल खंडनम मंडनम उदार पद पल्लवम मम शिरसि देहि। हे किशोरी जी, हे लाडली जी, आपका जो चरण कमल है स्मर गरल खंडन, स्मर गरल को खंडन करने वाला एक उदार चरण कमल है। मम शिरसि देहि, अपने चरण कमल को हमारे सिर पर रख दीजिए। मैं दारुणम मदन कदनानम जहता ज्वलति, मैं मदन कदन से मेरा हृदय जल रहा है। तदुपहित विकारम हरतु, इस विकार को हे प्रिया जी आप कृपा करके हरण कर। कौन बोल रहे जाते हैं? श्याम सुंदर बोल रहे चटुल चार टुपट चार मुर गए
जयदेव महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को कहते हैं चापलूसी। इति चतुल चारु पटु चारु मुर बैरिडो राधिका मधि वचन जातम जयति जय देव कवि भारती भूषित मानिन जनित सातम। इस प्रकार मुर बैरिडी मुर रूपी राक्षस को मारने वाले श्री कृष्ण चतुल चार टुपटु चार जयदेव कवि भारती जो ये राधा जी को देख कर कहे प्रीति से युक्त चतुर कोमल और जयदेव कवि के वाणी से भूषित यह भारती वाणी राधिका मधिक वचन जातम राधा रानी के सुखदायी ये श्री कृष्ण का वचन समूह जो है सर्वोत्कृष्टम भवति इत्यर्थ इस संसार में सबसे उत्कृष्ट वचन के रूप में ये जो गीत गोविंद क्या है इस जगत में सबसे ऊंचा ग्रंथ है। इस प्रकार प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण कमल पर प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे पावन श्री हरिनाम महाराज की कुमति सुधारिणी श्री हरिनाम संकीर्तन की जगपालक श्री हरिनाम महाराज की अशरण शरण श्री हरिनाम महाराज की दुख भंजन श्री हरिनाम महाराज की शुभ धर्म प्रवर्तक श्री हरिनाम महाराज की श्री लाडली लाल की श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारी सरकार की श्री पंडित बालाजी महाराज की श्री भागवत निवास की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नितारि गौर हरि